लाली, तुम्हें असद भाई और खाला बहुत पूछ रहे थे, तुम्हें प्यार भेज रहे थे। अच्छा, मेरी तरफ से भी पूछ लेना था। वैसे रोशाना कैसी है अब, ठीक है? वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, पूछ लेना उसको। कबाब? नहीं जी, थैंक यू। भाभी, आपके भाई कितना तकल्लुफ करते हैं। वैसे आपने उनको बताया कि मैं कितनी ज़बरदस्त कुकिंग करती हूँ और ये मैंने बनाया? हाँ, तानिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, कबाब भी उसी ने बनाए हैं। ले लो ना तलाल, ट्राई कर लो। लीजिए ना, मैं आपको दूँ। आप लोगों ने नाहा कितना तकल्लुफ किया है, अब मुहिब देखेगा ना तो खफा होगा। अरे नहीं, मेरी कौन सी इतनी बेटी है, एक ही तो बेटी है, बस ये तो थोड़े सा गिफ्ट है। पता है, लाला रुख से भी मैं यही कह रही थी कि जब लाली के यहाँ बच्चा होगा तो उसकी माँ तो दुनिया जमाने भर की चीजों से घर भर देगी। है ना? कबाब और दूं? सैफ कहाँ पे? अभी यही तो था। सैफ, अरे सैफ बेटा, आ जाओ यहाँ। आप भी आए ना हमारे घर कभी टाइम निकाल कर। हाँ, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। मैंने आपको 1000 बार कहा है अम्मी, मुझे लाली के ससुराल जाने पे मजबूर मत किया करें आप। अच्छा बाबा, हो गई गलती। क्या हुआ? दुश्मनों की तबीयत नासाज मालूम होती है। खुरम भी सीरियस। मुझे लगता है सर्जन साहब वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करके आए हैं। अरे नहीं भाई, लाली की जो नंद है ना, वो इसके जरा आगे पीछे घूम रही थी, बस चिड़ गया ये। अम्मी, वो बहुत बेकार लड़की है, प्लीज। हाँ, यहाँ तो सारी बेकार बैठी है, कारा में तो सारी पिंडी चली गई हैं। अब तुम जल्दी पे तेल मत छिड़को। बख्श देना प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं तो हम क्या करें। तुम ना मेरे हाथ से पिटोगे किसी दिन। तुम में ना किसी दिन इससे मार खाओगे। अच्छा, गाड़ी में से मेरा बैग निकाल के लाओ। अल्लाह, भाभी ये सूट भी कितना अच्छा है ना। तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम रख लो। सच्ची रख लो? हाँ, है बस भी करो, सारे तुम ही रख लोगी। साइमा के लिए रख दो ये जोड़ा। अच्छा, आपको तो बस उसी की फिक्र है, सौतेली हो गया। अच्छा बस, चलो ये सब उठाओ और ऊपर ले जाके रख दो। वैसे तुम्हारी अम्मा ने खामखा का तकल्लुफ किया है, बस काजू नहीं थे। लाएं, ये मैं तय कर देती हूँ, आप युद्ध रख दें। आप अब असद की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना खैर से? हाँ, बस अब तो ये बीमारी जान को लग गई है, आराम तो वो करता नहीं है। और मुझे तो बस रोशाने की फिक्र लग गई है। रोशनी की क्या फिक्र? वो मेरे तलाल की अमानत है। बस अब ये लाली जज की से फारिग हो जाए तो हम दोनों पिंडी आएंगे। खैर से बस ये दिन गुजर जाए। हाँ, लाली को देखे हुए भी एक अरसा हो गया, खुश तो है ना वो? हाँ चलता रहता है। शैला भी कह रही थी कि आफाक पाकिस्तान चक्कर लगाएगा तो हिना और उसकी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। मैंने तो कह दिया कि जब तक लाली जचकी से फारिग नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं करूँगी। असद की बीमारी ऐसी है कि मुझे तो उसे छोड़ के जाने को दिल ही नहीं करता। उधर रोशाने भी कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। हालांकि असद ने 1000 दफ़ा कहा है कि कराची का चक्कर लगा लो, मगर वो है कि मानती नहीं। अच्छा कौन है? बड़ी नानो। नहीं मेरी बात कराएं। मुझे बात तो करने दो। नानो दे दो। हेलो बड़ी नानो, वो किधर है रोशनी? अरे बेटा उसने कहाँ होना है, किताबों में कहीं मुंह दुबाए पड़ी भी होगी। कुछ ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो गई है वो? हाँ बस बेटा बहुत याद करती है तुम सबको। तुम्हारी मंगनी में उसे जरूर लेकर आऊंगी। हाँ तो जाहिर सी बात है बड़ी नानो, मैं कौन से रोशनी के बगैर मंगनी करूंगी, है ना नानो? हाँ। अच्छा बेटा खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुकून मिल गया तुम्हें? हाँ। एक तो वैसे ही इस घर में सुकून नाम की चीज नहीं है, ऊपर से ये लोग अलग आ जाते हैं हमारे जीना दुबर करने के लिए। तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। देखा अम्मा आपने, ये मुझे सुनाने को कह रही है ये। आई सायमा छोड़ उसे, तू इधर आजा मेरे पास। इसे तो खामा खामे बकबक करने की आदत है। आजा इधर। शादी होगी ना मेरी, जान छूटे आप लोगों से तो। बदतमीज। भाभी मैंने किसी बड़े से खानदान में शादी करूंगी जहाँ मैं खूब सारी शॉपिंग करूँ, गाड़ी में घूमूं, मतलब बहुत ऐश करूँ। क्यों भाभी? हाँ क्यों नहीं भाई। हाँ तो आप कोशिश भी तो नहीं कर रही है ना। अम्मा को देखें हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मोहित भाई की तो आते ही फिक्र पड़ गई, लेकिन मैं उनको नजर ही नहीं आ रही हूँ। हाँ वो मैं आपका तो इतना बड़ा सा खानदान है ना, ये अम्मा भी ना आपस में इधर उधर की बातें करती रहती हैं। और वो आपा, उनको तो अपने देवर के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। मुहिब के ना आने का पता चलता है ना ही जाने का। इस बार भी पर लगा कर आया था। और आपकी बहू रानी के मैके वालों ने भी तो हरी झंडी दिखा दी है। नहीं चालाक हैं, और फिर दिल पे रोने के लिए ढेरों चीजें भेज दी जैसे हम तुम बड़े बेवकूफ लोग हैं। अरे छोड़ो ना, रात गई बात गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा। माँ आपकी यही बात ना मुझे बहुत बुरी लगती है। एक तो तानिया का मसला हल नहीं हो रहा, ऊपर से मुझे लग रहा है यहाँ से भी आपको अंगूठा ही दिखा दिया जाएगा। भाई उसकी जचकी हो जाने दो, उसके बाद मैं खुल के बात करूंगी, सैफी से सब कह दूंगी। कर ली बात, कर लिया उसने। अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिले तब ना। जब मोहिब के रिश्ते का इनकार हुआ था तब उसने क्या कर लिया था? चंद दिन का गुस्सा बस। तो क्या उसको बाहर निकाल करता? हाँ आप भी ना बहुत सीधी है। आपको हर वक्त सैफी का गुस्सा बढ़ाते रहना चाहिए। एक मौका मिला था वो भी गलत कर दिया आपने। अरे छोड़, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती है। वो उधर बादाम का हलवा पड़ा है, जरा उठा के ले आ। बादाम का हलवा अपने लिए बनाया है मैंने। सर भारी हो रहा है मेरा, जा लेकर आ। अरे जाओ भी, उठो। बच्चा शिखोल सुन यारा